I am Dr. Vaseem I Khan, Assistant Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. From today, we will start a new series, that is comparison between Criminal Procedure Code 1973 and the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. तो आज से हम नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बीच में कंपैरिजन। तो हम कोशिश करेंगे कि सेक्शन बाय सेक्शन क्या एग्जैक्टली डिफरेंसेस आए वो डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे कि सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या क्या है। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा पार्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट का कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लेफ्ट साइड स्क्रीन के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को डिस्कस करेंगे और राइट साइड में द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो अगर हम देखें तो 1973 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है तो उसकी शुरुआत होती है एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974, ये उसका एक्ट है। और अगर हम बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की तो यह है एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023, वो 1974 का था, ये 2023 है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ये एक्ट कब आया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 25 जनवरी 1974 को। और ये जो द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है ये 25 दिसंबर 2023 को, मतलब इम्प्लीमेंटेशन अभी शुरू नहीं हुआ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब आज भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ही इक्वली लागू है। ये जो BNSS है 2023, ये इसकी बाद में डेट आएगी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट प्रोवाइड करेगी वहीं से ये कानून लागू होगा। अभी तक ये कानून लागू नहीं हुआ, सिर्फ ये कानून को लाने की डेट है 25 दिसंबर 2023। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। हमको पता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर के लॉ को कंसोलिडेट करने के लिए और उसको अमेंड करने के लिए यह एक्ट आया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भी सेम एम के साथ आया है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। मतलब यहां पर दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, कंसोलिडेट और अमेंड है, इधर भी कंसोलिडेट और अमेंड ही है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हम क्या कहते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। और दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो ये जो एक्ट है वो है, उसका टाइटल क्या है, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो ये बेसिक डिफरेंस है, वहां पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, यहां पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहलाएगा। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ था कि ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 है ये सारे इंडिया को लागू रहेगा, प्रोवाइडेड that the provision of this code and other than those relating to chapter 8, 10 or 11 thereof shall not apply to the state of Nagaland to the tribal areas। तो अगर हम देखें कि ये बताया गया था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कि ये एक्ट थ्रू आउट इंडिया को लागू रहेगा, लेकिन वहां पर एक्सेप्शन बताए वाले है कि कुछ चैप्टर जो है वो स्टेट ऑफ नागालैंड को, ट्राइबल एरिया को लागू नहीं रहेंगे। और वो कौन से चैप्टर है, चैप्टर 8, 10 और 11। अगर हम चैप्टर 8 की बात करें तो चैप्टर 8 डील करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। तो सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर ये चैप्टर 8 में प्रोवाइड किए वाला है, चैप्टर 10 में प्रोवाइड किए वाला है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड चैप्टर 11 में प्रोवाइड किया वाला है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो
तो ये तीन चैप्टर स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया को लागू नहीं थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के। और अगर हम बात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की करेंगे तो यहाँ पर इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये जो पार्ट था ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मिसिंग है। लेकिन ये भी एक्ट अगर हम देखा जाए तो थ्रू आउट इंडिया लागू है, बट यहाँ पर भी सब सेक्शन 2 ये कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11 एंड 12 देयर ऑफ शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड टू द ट्राइबल एरियाज। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में था सेम प्रोविजन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है। वहां क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर 8, 10 और 11 स्टेट ऑफ नागालैंड को ट्राइबल को लागू नहीं थे और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 9, 11 और 12 लागू नहीं है। अगर बात करें हम तो ये चैप्टर का नंबर चेंज हुआ है यहां पर सिर्फ, लेकिन चैप्टर का टाइटल सेम है। मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 9 डील करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, 11 डील करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड 12 डील करता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। मतलब सिर्फ चैप्टर चेंज है, कंसेप्ट सेम है। जो चैप्टर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया को लागू नहीं थे वही चैप्टर सर्टन चेंजेस के साथ स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज को लागू नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। जो चैप्टर नागालैंड और ट्राइबल एरिया को लागू नहीं है बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजंस और एनी ऑफ देम टू द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड और सच ट्राइबल एरियाज एज द केस मे बी विथ सच सप्लीमेंटल इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मोडिफिकेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। लेकिन जो चैप्टर स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज को लागू नहीं है वो चैप्टर को वहां का स्टेट गवर्नमेंट, नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट या जो ट्राइबल एरियाज जहां पर है उसकी स्टेट गवर्नमेंट कुछ मॉडिफिकेशन के साथ लागू कर सकती है। मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर 8, 10 और 11 को स्टेट ऑफ नागालैंड या ट्राइबल एरिया जहां पर है उसकी स्टेट गवर्नमेंट लागू कर सकती है अगर वो चाहे तो, अदरवाइज लागू नहीं रहेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट ना चाहे तो लागू नहीं रहेंगे। अगर हम सेम प्रोविजन देखें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी सेम प्रोविजन अप्लीकेबल है कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के चैप्टर 9, 11 और 12 जो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज को लागू नहीं है वो स्टेट ऑफ नागालैंड या ट्राइबल एरियाज जिस स्टेट में है वो स्टेट गवर्नमेंट कुछ मॉडिफिकेशन के साथ उस चैप्टर को लागू कर सकती है अगर चाहे तो, और अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो वो लागू नहीं होंगे। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो आज के हम लेक्चर में डिस्कस किए, जो देखे हमने कंपैरिजन के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है। ऐसे ही हम कंटिन्यू सेक्शन बाय सेक्शन कंपैरिजन आगे के लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये फर्स्ट पार्ट आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।